फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम बात करेंगे आरसीसीबी के बारे में। आरसीसीबी का मतलब है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ठीक है, आरसीसीबी को हम मेनली घर में भी और इंडस्ट्रियल में दोनों जगह यूज करते हैं। इसको यूज करने का मेन प्रपोज यह है कि ये एमसीबी और एमसीसीबी से भी ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा सेफ्टी के लिए, मेनली इसको हम ह्यूमन सेफ्टी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, आरसी हमारा बाजार में मेनली चार टाइप का यूज किया जाता है, मतलब चार चार अवेलेबल होता है। वो चारों टाइप का होता है 25 एम्पियर, 32 एम्पियर, 40 एम्पियर और 63 एम्पियर। मेनली ये चारों टाइप का ही बाजार में अवेलेबल रहता है। और आरसीसीबी का मेन वोल्टेज इसको 240 और 415, मतलब सिंगल फेज और थ्री फेज दोनों में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, और उसका ये सेंसिटिविटी, इसका जो आरसीसीबी का है उसका सेंसिटिविटी होता है, मेनली तीनों टाइप का यूज किया जाता है, उसे तीनों टाइप होता है 30 मिलियम्स, 100 मिलियम्स और 300 मिलियम्स का यूज किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 30 मिलियम्स को यूज किया जाता है, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन बॉडी होता है वो ह्यूमन बॉडी मेनली जो इलेक्ट्रिक शॉक को 30 मिलियम्स से ज़्यादा करंट होने पर ही फील करता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिलियम्स में ज़्यादा ये ह्यूमन सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिलियम्स का आरसीसीबी को यूज किया जाता है। ठीक है, आरसीसीबी बाजार में 2 पोल और 4 पोल दो टाइप का ही मिलता है। जो 2 पोल होता है वो 240 वोल्ट के लिए, और जो 4 पोल होता है वो मेनली 3 फेज के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए, ये जो डायग्राम में अभी यह ड्रॉ किया है ये मेनली 2 पोल आरसीसीबी के लिए है, और सोचिए इसको 30 मिलियम्स के लिए ही ये मैंने डायग्राम किया है। इस जो डायग्राम में टेस्ट बटन नहीं दिया है मैंने, क्योंकि आपको आसानी से समझा पाऊँगा। ठीक है, तो चलिए इसका बताऊँगा और उसके बाद टेस्ट बटन लेके भी आपको बताऊँगा। ठीक है, इसको मैं समझाऊँगा आपको अभी, चलिए शुरू करते हैं। आरसीसीबी मेनली रेसिडुअल करंट सर्किट बोलते हैं, मतलब रेसिडुअल करंट मतलब रिटर्न करंट का प्रिंसिपल में काम करता है। मतलब आप यहाँ से जितना करंट इसको सप्लाई देंगे, इन करेंगे, जो रिटर्न होता है हमारा न्यूट्रल का थ्रो, उतना ही करंट रिटर्न होना चाहिए। मतलब ये मस्ट होता है, मतलब जितना आप करंट देंगे उतना करंट होना जरूरी है। ठीक है, इसी प्रिंसिपल में आरसीसीबी काम करता है। तो मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ इस ड्राइंग का। सोचिए हमारा यहाँ पर 5 एम्प का करंट आपने सप्लाई किया है, यहाँ से इन किया है। ठीक है, तो आप 5 एम्प करंट सप्लाई करते हैं। यहाँ पर जो कॉइल होता है एक, जब इनको ये जो कॉइल होता है, इस कॉइल से जब 5 एम्प का करंट सप्लाई करेगा, मतलब रनिंग करेगा, तभी यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। उसी थ्रो से मैं कुछ करंट, मतलब ईओ में प्रोड्यूस हो जाएगा, कुछ ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और यहाँ पर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, यहाँ से जो से इसका करंट डायरेक्शन इस साइड है, तो यहाँ पर सोचिए प्लस, सोचिए यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रो प्लस, सोचिए यहाँ पर प्लस ईएमएफ क्रिएट हुआ है। जब यहाँ से ये रिटर्न करेगा, ठीक है, वही 5 एम्प की करंट यहाँ पर भी सप्लाई करेगा। ठीक है, तभी यहाँ पर जो 5 एम्प करंट सप्लाई करेगा और ये जो रिटर्न होगा था इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस का ईएमएफ क्रिएट होगा। तो जो हमारा ये जो सेंसिंग कॉइल है, इस सेंसिंग कॉइल का अंदर हमारा जो प्लस और माइनस कट जाएगा, 0 ईएमएफ और 0 करंट फ्लो करेगा, यहाँ पर भी फ्लो करेगा। इसी वजह से ये जो रिले है, रिले कॉइल, यहाँ पर रिले कॉइल पीक नहीं होगा, यहाँ पर आराम से प्रोसेस चलता रहेगा। ये नॉर्मली नॉर्मल पोजिशन के लिए है, मतलब जहाँ पर कोई सेफ्टी का इशू नहीं होगा। ठीक है, तो अभी मैं बताता हूँ। सोचिए अब नॉर्मल कंडीशन में, ये तो नॉर्मल कंडीशन है, अब नॉर्मल कंडीशन मतलब जब यहाँ से सप्लाई आप दे रहे हैं, बीच में कोई इंसान है जिसका हाथ यहाँ पर लग गया है। ठीक है, यहाँ पर लग गया मतलब जब यहाँ तक तो 5 एम्प्स करंट आएगा, फ्लो करेगा रिटर्न, लेकिन जो यहाँ पर करंट आएगा तो क्या करेगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा और कुछ करंट यहाँ एक इंसान का थ्रो में लेकर ग्राउंड को फ्लो कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ करंट जो फ्लो करना कम हो जाएगा, इसी वजह से यहाँ पर जो करंट, यहाँ पर तो कुछ प्लस ईएमएफ हो गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ईएमएफ क्रिएट होगा, तो क्या होगा, जो करंट यहाँ पर फ्लो होगा, ये दोनों में डिफरेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 एम्प्स करंट फ्लो किया और यहाँ से 5 एम्प्स करंट फ्लो नहीं किया है, 5 एम्प्स करंट नहीं फ्लो किया है यहाँ से। यहाँ पर इन दोनों में जो ईएमएफ क्रिएट होगा और जो करंट फ्लो करेगा, ये दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ का जो रिजल्ट आएगा, यहाँ पर कुछ 0 नहीं होगा, यहाँ पर कुछ प्लस या माइनस कुछ करंट यहाँ पर फ्लो करेगा। यहाँ से जब यहाँ से करंट फ्लो करेगा इस कॉइल में, थ्रू से सेंसिंग कॉइल को सेंस करके ये रिले कॉइल को करंट फ्लो करेगा, तो क्या होगा ना, रिले एनर्जाइज हो जाएगा
और रिले पिक करेगा। पिक करने का वजह से जो यहाँ पर शॉर्ट होकर होगा, ये रिले जब करेगा ये ओपन हो जाएगा, रिले वर्क करेगा और इसको ओपन कर देगा। ये मैंने इसी प्रकार से इसे काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया विथआउट टेस्ट बटन वाला है, ये नॉर्मल ऐसे काम। तो आपको टेस्ट करने के लिए क्या करना जरूरी है अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट बटन होता है, टेस्ट बटन का भी डायग्राम आपको बता देता हूँ। तो ये मैंने डायग्राम बना दिया टेस्ट बटन के लिए, ये है मेनली हमारा टेस्ट बटन है, ठीक है। तो टेस्ट बटन कैसे होता है, एक टेस्ट बटन एक छोटा सा रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में लगा होता है, ठीक है। तो जब क्या करेगा, यहाँ पर कुछ नहीं है, छोड़िए इसको, छोड़ दीजिए, ये पार्ट को भी अलग कर दीजिए। भी नॉर्मल कंडीशन में आपको वहाँ पर लिखा हुआ है, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इसको रेगुलरली टेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि हमें सेफ्टी के ध्यान के लिए इसको रेगुलर टेस्ट करना है। तो क्या होगा, सोचिए जब यहाँ से आपने करंट फ्लो किया 5 एम्स का, तो यहाँ पर तो पॉजिटिव का हो गया, लेकिन जब यहाँ पर तक करंट आया है तो यहाँ पर क्या होगा ना, जब टेस्ट बटन का ऑन करेंगे तो फिर कुछ करंट यहाँ से फ्लो करेगा और यहाँ पर करंट डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर भी फ्लो करके ये यहाँ तक आ जाएगा करंट फ्लो करके, ठीक है। तो यहाँ पर जो 5 एम्स का करंट फ्लो किया गया है, वो 5 एम्स करंट यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर करंट डिवाइड हो गया है इस जंक्शन से रेजिस्टेंस के थ्रू से, ठीक है। तो इसी वजह से भी इस कॉइल और इस कॉइल में जो दोनों का EMF होगा वो अलग हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, और उसी वजह से ही ये जो रिले कॉइल एनर्जाइज होकर टिप कर देगा, टिप करने पर ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये है टेस्ट बटन का काम, है इतना होता है टेस्ट करने के लिए, सही है या गलत है, ठीक है। मेनली हमारा जो 5 एम यहाँ पर क्या 30 मिली एम से ज़्यादा करंट फ्लो कर देगा यहाँ से, इसीलिए ये ट्रिक पता है। तो यहाँ पर भी इसे रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया होगा जो कि 30 मिली एम से ज़्यादा करंट को ऑब्जर्व करेगा आपका अपने का अंदर, ठीक है। यहाँ पर रिटर्न करंट सेम नहीं मिलेगा, ठीक है। ये था RCCB का मेन। RCCB में मेन जब कनेक्शन आप करेंगे तो RCCB में ऐसे होता है, इसका 4 पॉइंट रहता है, ये 2 पोल के बारे में बता दो, 3 पोल में भी आप स्क्रीन पर देखेंगे। तो ये होता है स्विच, याद रखिए हर वक्त जो RCCB होता है उसका फेज लाइन ये होता है फेज लाइन, ठीक है। हर वक्त जो 1 और 2 लिखा है वो फेज में ये इन हो गया है और ये आउट हो गया है, और जो न्यूट्रल, ये जो स्विच जो जिस साइड रहता है उसी साइड ही हमारा न्यूट्रल को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। अभी आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं दोनों का, 2 पोल का भी और 3 पोल का भी, सॉरी 4 पोल का भी, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि आगे आगे मैं ऐसे आपको बहुत सारे वीडियो दिखा पाऊँगा।